नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। टोटल जो बीजेपी जो इलेक्शन जो मैनिफेस्टो जो फेस किया है, हमको लग रहा हूँ ये इलेक्शन पश्चिम बंगाल का इलेक्शन को सामने रखे किया है। और बीजेपी का जो नेतृत्व अमित शाह से शुरू करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके जो लोकल जितना नेतृत्व है वेस्ट बंगाल स्टेट का, निकॉल के लेवल का, लोग अच्छा से जानते हैं वेस्ट बंगाल में क्षमता में आने वाला नहीं है और इस मैनिफेस्टो का कोई काम भी नहीं है। ये एक तो इलेक्शन के लिए पेश किया था, अब वो लोग भी जानता है हमारा काम इलेक्शन में क्षमता में नहीं आएगा, और एक तो फॉर्मेलिटी के लिए किया गया है। और एक बात इन लोग इसमें आपको मेंशन किया था जो आपको घुसपैठ के लिए, जो खास करके वेस्ट बंगाल का ऊपर ही किया गया, तो ये बॉर्डर का सिक्योरिटी कौन देता है? जो बांग्लादेश और जो पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है उसके सिक्योरिटी कौन देता है? उसके सिक्योरिटी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट का। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ जो BSF है तो घुसपैठ कहाँ से आ रहा है? तो उसी का दायित्व है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। तो इन लोग का जो मुद्दा है, जो बात यहाँ बोला गया है, ये सब बेकार कोई काम का नहीं है। ये छोड़ के जो नौकरी के बारे में जो ये लोग बात किया है, जो आपको मैनिफेस्टो में हम देख रहा हूँ नौकरी के बारे में प्रत्येक घर में नौकरी दिया जाएगा, तो ये तो 2014 में हम लोग सुना था, जो भारतवर्ष में पहले बार जब कमांडा में बीजेपी आ रहा था उस समय बोला था आपको प्रत्येक साल में धूप हो साधारण जनता को, साधारण जो बेकार को नौकरी दिया जाएगा, ये भी करने नहीं सकता। तो आज 2014 का जगह में 2021 हो गया, आज तक कोई काम नहीं किया है, ना किसी को एक नौकरी मिला है। तो बॉर्डर जो बीजेपी आज के दिन पश्चिम बंगाल का क्षमता को पकड़ने के लिए, क्षमता में आने के लिए, उन लोग आज एक ममता दी से लड़ने के लिए आज पूरा भारतवर्ष का 164 मुद्दा को पश्चिम बंगाल में दिखा रहा हूँ। जो प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के अंदर 22 जनसभा कर रहा हूँ, अमित शाह से लेके बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा जी, ये लोग पूरा पश्चिम बंगाल में पड़ा हुआ है। इसका साथ में बाकी तो 4 स्टेट में तो इलेक्शन हो रहा हूँ, जहाँ आसाम में 2-3 समय दे रहा है आपको PM, जहाँ आपको तमिलनाडु में 2-3 समय दे रहा है, केरल में 1 दिन समय दे रहा है, ये जगह आपको पश्चिम बंगाल में आपको 22 प्रोग्राम कर रहा हूँ। ये छोड़ के भारतवर्ष का जितना MP है, जो UP, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सब जगह का जितना MP है उसको भी आपको पश्चिम बंगाल में डुबा रहा हूँ, और जितना 6 CM को पश्चिम बंगाल में भेज रहा हूँ। जे UP का जो CM 2 दिन पहले आपको एक जनसभा किया था पूर्णिया में, वो जनसभा में पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर में बात किया था, बहुत लॉ एंड ऑर्डर का परिस्थिति खराब है। जिस जगह से वो आया यूपी, आज भारतवर्ष में सबसे खराब अवस्था है यूपी का, वो अपना यूपी को क्यों नहीं देख रहा हूँ? यूपी को पहले ठीक करो, उसके बाद आके बंगाल में आके बात करो। तो ये जो बीजेपी का जितना नेता है, ये लोग जो पश्चिम बंगाल में आके जितना प्रचार करेगा उतना तृणमूल कांग्रेस के लिए बेनिफिट है, उतना तृणमूल कांग्रेस का ऊपर समर्थन यहाँ का साधारण जनता, साधारण वोटर तृणमूल कांग्रेस का ऊपर समर्थन देगा, और हम लोग तृणमूल कांग्रेस ममता जी का नेतृत्व में भारी बहुमत से बीजेपी क्यों कर रहा है इतना जोर क्यों दे रहा है? वो जानता है ममता जी छोड़ के उसके खिलाफ में अंगुल उठाने वाला कोई नेता भारतवर्ष के अंदर नहीं। बीजेपी का भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, बीजेपी केंद्रीय सरकार जिस तरीके से चला रहा हूँ उसका प्रतिवाद में आज भारतवर्ष के अंदर कोई अगर मुख्यमंत्री है, कोई अगर नेता है प्रतिवाद करने वाला, उसका गलती को अंगुल तोड़ के दिखाने वाला, तो वो एकमात्र ममता जी है। इसलिए वो लोग ममता जी को घेरने का प्रयास किया है। तो आप खुद सोचिए, आपको बीजेपी का इतना नेता जो पश्चिम बंगाल में पड़ा हुआ है, हमारा जो जहाँ आप भी खड़ा है हम भी खड़ा है, ये आसनसोल के अंदर में आपको मध्य प्रदेश का होम मिनिस्टर को दायित्व तो दिया है, ये जिला का, ये छोड़ के बहुत बीजेपी का नेता भी है, आसपास का बहुत MP भी है, आसपास का कोई दायित्व तो में जो झारखंड में है, मध्य प्रदेश का है, आपका बिहार का है, वो लोग भी यहाँ ढूंढ रहा हूँ प्रचार करने के लिए। तो इन लोग काफी कहाँ मिल रहा है? ये लोग हमको सबसे ज्यादा तकलीफ लग रहा है, जो पश्चिम बंगाल का बीजेपी नेता कहाँ चले गया? पश्चिम बंगाल का जो मैनिफेस्टो है इलेक्शन का, कि यहाँ का बीजेपी का प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करना चाहिए था, यहाँ का प्रेसिडेंट को दिलीप घोष को डिक्लेयर करना चाहिए था, यहाँ का जो नेता लोग साथ में बैठा के डिक्लेयर करना चाहिए था, इसको दिल्ली में बैठ के खा रहा हूँ। तो ये लोग जो दिल्ली का राजनीति पश्चिम बंगाल में लेके आ रहा हूँ, ये दिल्ली का राजनीति पश्चिम बंगाल की जनता कभी बर्दाश्त
नहीं करेगा। हम लोग भी एक समय देखा था जो वामफ्रंट का समय, पश्चिम बंगाल का जनता उस समय कांग्रेस को समझता था ये दिल्ली का राजनीति है, ये दिल्ली का पार्टी है, और बंगाल में उस समय सीपीएम को समझता था ये बंगाल का पार्टी है। आज के दिन यही समझता है पश्चिम बंगाल का जनता, जो आपको जितना नेता पश्चिम बंगाल में आए जितना प्रचार करे, बीजेपी दिल्ली का पार्टी है, दिल्ली में रहने दीजिए, और पश्चिम बंगाल ममता दी ममता में रहेगा, ये बंगाल का पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, और बंगाल में हिंदी वासी भी है, बंगलावासी भी है, और तमाम भारतवर्ष का विभिन्न स्टेट के आदमी बंगाल में बास कर रहा हूँ, सभी का पार्टी तृणमूल कांग्रेस है और सभी का स्टेट उसका कोई नहीं पड़ेगा, आप ये करना चाहिए। कुछ नहीं इफेक्ट होगा। आप 2016 में यहाँ एक नेता यूपी से चार्ज में था, जो आज विजयवर्गीय का जगह में एक नेता सिद्धनाथ सिंह हाँ, वो आपको चार्ज में था। ये आदमी आके प्रत्येक जगह में तृणमूल का विरुद्ध में, उस समय मुकुल राय भी तृणमूल कांग्रेस में था, मुकुल राय का विरुद्ध में, मदन मित्रा का विरुद्ध में, हमारा नेत्री ममता दी का विरुद्ध में ऐसा भाषण वक्तव्य रखता था, भाग ममता भाग अमुक भाग ही भाग ऐसा करके वक्तव्य रखता था। जिस जगह में जाके वो भाषण दिया, इलेक्शन का जब रिजल्ट आया तो देख रहा हूँ बीजेपी का जमानत जब्त हुआ। आज भी आपको बोल रहा हूँ, जो पश्चिम बंगाल का मट्टी में, पश्चिम बंगाल का विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में जो बाहर से कोई नेता आके पश्चिम बंगाल में खड़ा होके ममता दी का ऊपर अंगुल उठा के जो बात करेगा, वहां का जनता बीजेपी का जमानत जब्त करेगा वही विधानसभा में, ये हम लोगों को भरोसा है।